All right, traders, a very warm welcome. वीक की शुरुआत बहुत अच्छी रही, क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या हुआ मार्केट्स में, एक चीज डिस्कस करते हैं. ओके, सबसे पहले आते हैं, मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पर कि मैं जो है निफ्टी में डाउनसाइड देख रहा हूँ. ओके, आप समझो कोई भी प्राइस एक्शन जो होता है, अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा, ठीक है, तो वो सिंगल ऐसा नहीं जाएगा नीचे से ऊपर एकदम भगेगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगा. ओके, तो मैं वही रिट्रेसमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो है डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. ओके, तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था लुकिंग फॉर डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी. डाउनसाइड कैसे देखेंगे, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए, ठीक है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाए तब एकदम शॉर्ट के लिए बढ़िया है, आपका विक्स सेटअप सपोर्ट करे तब शॉर्ट के लिए बढ़िया है. तो देखेंगे क्या ये चीजें हो रही थी, ठीक है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे चार्ट पर. ये मैंने पैटर्न शेयर किया था कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगी, तो लास्ट वीडियो में आपके साथ भी शेयर किया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो हाई पॉसिबिलिटी है 16666 देखने को मिलेगा, देन 16621 देखने को मिलेगा. ओके, क्या आज ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, क्या ये नीचे के लेवल्स देखने को मिले, मिले, तो सब चीज प्राइस एक्शन कितना बढ़िया से वर्क करता है. ओके, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट करने आया और क्या फॉल आया, ठीक है, तो पहला चीज ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन था, दूसरा चीज सुपर ट्रेंड क्या नेगेटिव था, सुपर ट्रेंड नेगेटिव था. तो मैं बार बार बोलता हूँ सुपर ट्रेंड के अगेंस्ट तो सोचना भी नहीं है जाने का. अगर मार्केट में आप लोगों को पैसा देना है, मान लो आपके पास पैसा है और आपको ऐसा फेंकना है पैसे कि लो ले लो हमसे कोई भी ले लो, तो सुपर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले लेना, ठीक है, पक्का आपको लॉस हो जाएगा. सुपर ट्रेंड के साथ रहो. ओके, जब दिख रहा है सुपर ट्रेंड नेगेटिव है तो लॉन्ग तो जा ही नहीं सकते आप. हाँ, आपका शॉर्ट जाने का मन नहीं है, आपका व्यू क्या है, आपको लॉन्ग जाना है, बट सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है, प्लीज नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते. ओके, दूसरा, पहला तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा था, दूसरा सुपर ट्रेंड सपोर्ट कर रहा था, और थर्ड हमारा इंडिया विक्स सपोर्ट कर रहा था, विक्स सेटअप भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था. मैंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया था. ओके, 37,000 के पीक बाय करके गया था, बाय किया था. रीजन क्या था, क्योंकि एक तो वाइड सीपीआर था, ठीक है, वाइड सीपीआर था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ट्रेंडिंग मूव आएगा, और मॉर्निंग में मैंने 8 बजे के आसपास बोल दिया था कि आज मैं डाउनसाइड देख रहा हूं निफ्टी के लिए. ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर गया बट ये वापस से नीचे आया, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, मेरा आरएसआई ने सपोर्ट किया, और उसके बाद मैंने जो एग्जैक्टली बुक किया वो मैंने किया था इस कैंडल के लो पर, जब कैंडल बन रहा था मैंने यहां पर बुक किया था. तो एक बहुत अच्छा मॉर्निंग में डिसेंट इस लेवल से लेकर इस लेवल तक पूरा का मूव एक कैप्चर किया था. ओके, ये सब कुछ डिस्कशन चलता है हमारा ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पर, ये देखो. फिर उसके बाद एक वॉचलिस्ट शेयर किया था कि ये मेरा वॉचलिस्ट है, ठीक है. आप देखो स्टॉक्स तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, वही स्टॉक्स पकड़ते हैं जो मोमेंटम में है, जो 3-4% भाग सकते हैं. अगर आप एसआरएल देखोगे आज भागा, ठीक है, मैंने खुद 1.5% कैप्चर किया, बुक किया था 1.5% कैप्चर करने के बाद. ओके, केई से ट्रिगर नहीं हुआ, लेटेंट व्यू ट्रिगर नहीं हुआ, दिव्यानी ट्रिगर हुआ था, वापस से कॉस्ट पे आ गया था. ATGL भागा, बहुत अच्छा मूव दिया बट वापस से अगला ही कैंडल कॉस्ट पे आ गया. तो ये वो स्टॉक है जो मोमेंटम देंगे, जो स्टॉक आज नहीं दे पाए वो हाई पॉसिबिलिटी वो कल देंगे, कल भी नहीं दे पाए तो परसों देंगे, बट देंगे वो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको होल्ड करके रखे हो, नहीं, एक सेटअप होता है कि आपको कब बाय करना है. अगर आपके तुरंत आपके फेवर में मूव नहीं आ रहा तो आप निकल जाओ, क्योंकि ये मोमेंटम वाले, ये टाइम नहीं लेंगे भागने के लिए, ये भागेंगे तो जोर का भागेंगे, अदरवाइज ये लोग ये क्या करेंगे, शांति से कंसोलिडेट करते रहेंगे, ठीक है. और हम लोग मोमेंटम प्लेयर से, हमें पसंद नहीं है इतना पेशेंस, हमें चाहिए एकदम तुरंत मोमेंटम मिले. ओके, तो ये हमारा वॉच लिस्ट था, स्टॉक्स में बढ़िया मूव दिया आज. फिर उसके बाद ये देखो शॉर्ट्स के लिए बोल के रखा था कि फिर उसके बाद यहां पर मेंशन किया था 949 पर बुक कर सकते हो, फर्स्ट 3 मिनट लो कैन बी एक्ट एज अ माइनर सपोर्ट. तो फर्स्ट 3 मिनट लो किसकी बात हो रही है, बैंक निफ्टी की, 949 पे जब ये कैंडल बन रहा था. ओके, तो यहां पर बुक करके निकलो, ठीक है. फिर क्या हुआ, देखो मैंने थोड़ा लेट एंटर किया जब 3 मिनट सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था, तो सेटअप पर कर रहे हैं, जब तक सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा शॉर्ट नहीं जाएंगे. ओके, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो वेट करो सुपर ट्रेंड नेगेटिव होने का. ओके, तो ये अच्छा ट्रेड मिला मॉर्निंग में, ये क्लियरली मेंशन किया था वाइड सीपीआर है,
इसलिए कोई ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ऊपर साइड। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे ट्रेंडिंग होगा तो वापस से ऊपर आएगा, तो ये साइडवेज ही रह सकता है। ओके, तो सब कुछ ये मेंशन किया था ये ट्रेडर्स कंपनी चैनल पर। फिर देखते हैं और क्या था, एक और इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया जो ट्रेड था, एक और ट्रेड जो था, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड लिए थे स्कैल्पिंग के, बट एक जो सबसे बढ़िया ट्रेड था वो था 2 बजे। तो मेंशन कर दो, बहुत अच्छा ट्रेड मिला था 2 बजे। आपको एक एक चीज बताऊंगा, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ ठीक है। देखो यहां पे मेंशन किया टाइम जो है वो 2 बजे के आसपास है। आपको पता है 2 बजे के आसपास FIIs की बाइंग या सेलिंग आती है, ठीक है, आपको पता होगा काफी टाइम से मार्केट ऑब्जर्व कर रहे होगे। तो 2 बजे के बाद एक मोमेंटम आता है, क्योंकि FIIs बाय करते हैं तो ऊपर साइड मोमेंटम आता है, पर FIIs अगर सेल करते हैं तो नीचे साइड मोमेंटम आता है। तो FIIs जो थे, आप देखो पिछले कुछ टाइम से 2 बजे के बाद बाइंग आ रहा है, तो FIIs ऐसा नहीं है कि एक दो दिन बाइंग कर लिया फिर सेल कर दिया फिर बाय कर लिया फिर सेल कर दिया। FIIs आते हैं तो मोमेंटम लेकर आते हैं, जैसे मान लो वो बाय करेंगे तो फिर बाय 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 करेंगे, वो सेल करेंगे तो फिर लगातार बेचते रहेंगे। ओके, तो पिछले 2-3-4 दिन से मैं देख रहा था 2 बजे FIIs की बाइंग आ रही थी। अब खुद चार्ट पर चेक करना निफ्टी के, ओके, आपको 2 बजे बाइंग आती हुई दिखेगी निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, तो FIIs बाइंग कर रहा है आजकल, क्लियरली मेंशन किया था, और डैक्स भी गिर नहीं रहा था। ठीक है, डैक्स हमारा एक इंडिकेटर है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, निफ्टी की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। तो हमें पता था डैक्स भी नहीं गिर रहा। ओके, टाइम 2 बजे के आसपास हो रहा है, FIIs बाय कर रहे हैं, और फिर हमने देखा प्राइस एक्शन। आप देखो, क्या आपको ये प्राइस एक्शन अब समझ में नहीं आता, आप मुझे बताओ, ये क्या आपको ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता? ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया, वापस से सेलिंग बाइंग आ रही है, और उसके बाद देखो कंसोलिडेशन चल रहा है, रिजेक्शन पड़ रहे हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है, तो समझो आप, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल आया, ये कैंडल एकदम परफेक्ट कैंडल था, यहां आप लॉन्ग जा सकते थे, और इनफैक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं तो और 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा ये वाली कैंडल मैं इसी कैंडल पर लॉन्च लगाया था। ओके, इसी कैंडल पर लॉन्च लगाया था, और बहुत बढ़िया मूव मिला, ये निफ्टी में भी अच्छा मूव मिला, और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव मिला। आप देख लो एग्जैक्टली 2 बजे से FIIs का बाइंग आया है। ओके, तो बहुत सिंपल है, आपको चीजें बस पता होनी चाहिए, आपको क्या पता नहीं है चीजें, इसलिए आपको लगता है कि टफ लगता है ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, आपको देखो मत लो पूरे दिन ट्रेड मत लो, ठीक है, बस आप डिसाइड करो कब मोमेंटम आ सकता है। 2 बजे FIIs आते हैं तब मोमेंटम आता है, ठीक है, 12:30 अपना जर्मन मार्केट ओपन होता है तब मोमेंटम आ सकता है। तो आप देख लो 11 बजे के आसपास एक मोमेंटम मिलता है छोटा सा, ठीक है, बाकी एक मॉर्निंग में मिलता है 9:30 से 9:15 से 9:45 तक एक मोमेंटम मिलता है। ओके, तो आप समझो आपको टाइम डिसाइड करना है कब कब मोमेंटम मिलेगा, और जब मोमेंटम नहीं मिलेगा उसमें आपको खुजली ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुजली ट्रेड करोगे तो आपको लॉस ही होगा, उसमें कुछ होना जाना नहीं है, वो ऊपर जाएगा वापस से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा आपको लगेगा ब्रेकआउट आया बाय करोगे नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा आपको लगेगा फेक हो गया, आप सेल करोगे वापस से ऊपर आ जाएगा। तो ये तब होता है जब उसमें मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम्स मिसिंग है, जब आपको ट्रैप कर रहा है, जब वो मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा, जब वॉल्यूम्स आते हैं मोमेंटम आता है, उस केस में मार्केट आपको 3-4 कैंडल देगा ही देगा। जैसे ये मान लो मोमेंटम आया तो ये 2-3 कैंडल दिया ना आपको, बहुत है स्कैल्पिंग के लिए। अब यहां पर आप खुजली ट्रेड कर रहे हो, यहां पर बाय किया, आपको देखा कि ये बाय, चलो बहुत अच्छा कैंडल बना, बाय करते हैं, पूरा सेल ऑफ हो गया। आपने देखा चलो ये तो टूटा है, ये लो टूटा, चलो यहां पर सेल करते हैं, पूरा बाइंग हो गया, तो ये खुजली ट्रेड होंगे, ठीक है, जो आपको पता है नहीं मिलेगा। अभी आप वेट करो 1:30 to 12:30 वेट करो इन टाइम का कि उस टाइम क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, स्टॉक्स में भी कुछ अच्छे मूव मिले, कुछ के कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गए, क्योंकि स्टॉक्स में कॉस्ट के एसएल कैसे जाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई एक स्टॉक है, ओके, मैंने बोला कि 100 के ऊपर मोमेंटम है, ठीक है, 100 के ऊपर मोमेंटम है, 100 पे हमने लगाया GTT कि अगर 100 गया तो हमारा GTT ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, अब
प्राइस जैसे ही 100 छुआ ऑर्डर ट्रिगर हो गया, अब 100 से 101 बन गया तो क्या हुआ, हमें 1% का आरओआई दिखा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर वेट करते फॉर एग्जांपल वेट करते तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या ये होगा एक दो कैंडल बनाएगा से कंसोलिडेट करेगा अगेन फिर ब्रेकआउट आएगा फिर 102 दिखाएगा, तो यहां पर क्या हुआ 2% का आरओआई मिला। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और वापस से 100 आ जाएगा। तो जब ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ रहा है, तो यहां पर हम एक बार को कॉस्ट से निकलना प्रेफर करते हैं, निकल जाते हैं कॉस्ट से कि भैया ठीक है कॉस्ट में गया जाने दो, या बहुत छोटा एसएल ठीक है 0.5% का एसएल, इतना एसएल बट ज्यादा एसएल नहीं बड़ा एसएल नहीं, ओके। तो स्टॉक्स में हम ऐसे ट्रेड करते हैं कि हमें पता है कौन से स्टॉक्स में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो भी स्टॉक शेयर करता हूं वो ऐसे स्टॉक है जो भाग सकते हैं, जो 3-4% भागेंगे, जैसे आज स्टार हेल्था आप देखो ये कब मूव दिया, ये आखिरी के टाइम में मूव दिया 254 के बाद, इसके बाद उसने उसके पहले उसने किया क्या, टाइम पास किया पूरा। तो हम अपना जीटीटी रिवाइज करते जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जीटीटी हो गया था ये लेवल हो गया था हमारा जीटीटी, यहां पर और ऐड कर सकते थे क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम दे सकता है, वही स्टॉक है जिसमें मोमेंटम आ सकता है, तो यहां पर हम लेवल्स को रिवाइज करते जाते हैं, ओके। सो क्योंकि आप ट्रेडर्स कम्युनिटी में नहीं हो इसलिए इतना समझाना पड़ रहा है, बाकी ये सब चीज उसमें डिस्कशन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है सब कुछ। सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ये आ गया है डोजी, तो जब भी डोजी आता है नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट कर लो मोमेंटम आएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोमेंटम आएगा, ये हाई ये लो आप मार्क कर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बीच में आपको कोई भी खुजली ट्रेड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग नहीं पता कैसे करते हैं, तो जनरली आप जो हैं आपको कोई खुजली ट्रेड नहीं करना, आपको इसके अगर नीचे निकले तो मोमेंटम आ सकता है और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम आ सकता है, इसके बीच में मार्केट वापस से टाइम पास करेगा कंसोलिडेट करेगा, ओके। तो ये कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कल मोमेंटम आएगा, एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, ओके। ट्रेंडिंग मूव मतलब या तो ऊपर साइड हो सकता है या वो नीचे साइड हो सकता है। और थोड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैं बात करूं सुपर ट्रेंड की हायर टाइम फ्रेम पे, आवली चार्ट पर सुपर ट्रेंड जो है, मैं इसको हटा रहा हूं लेवल्स को, हाँ आवली चार्ट पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, ओके। प्राइस और 50 एमए के बीच में गैप है, तो मुझे एक बार को लग रहा है ट्रेंडिंग मूव नीचे साइड आना चाहिए, प्लस यहां पर राइजिंग वेज पैटर्न, अगर आप राइजिंग वेज पैटर्न देखोगे, राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट से और वापस से ये फॉल देखने को मिल सकता है, ओके। मैं अगर और अच्छे से बनाऊं राइजिंग वेज पैटर्न तो ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये तो ये राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है, तो ये पैटर्न का जब ब्रेकडाउन आया है इसका मतलब इसमें वीकनेस है, ठीक है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं नीचे साइड मोमेंटम मिले तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी देखते हैं कहां मूव मिलेगा। चलो स्कैल्पिंग के लेवल्स की बात करें तो 16,683 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 16,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगेन ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो जो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 16,566, देन उसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है तो 16,524 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है 16,484 के आसपास आपको लेवल्स देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। मैं अभी भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक ऐसा कैंडल आना चाहिए, कैसा कैंडल मैं बता देता हूं आपको, एक रेड कैंडल आना चाहिए, एक इस टाइप का रेड कैंडल आना चाहिए, प्रॉपर रेड कैंडल, ओके, जो कि काफी टाइम से नहीं आया, आप देख लो बहुत टाइम से मिसिंग है। लास्ट टाइम जो रेड कैंडल आया था प्रॉपर वो 13 जुलाई को आया था, 13 जुलाई, उसके बाद आप देख लो रिजेक्शन आया, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, छोटा कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, फिर रिजेक्शन आया। तो ये कैंडल आना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को वापस से ऊपर के लेवल दिखाने तो, क्योंकि अभी क्या होगा ना, वापस से क्या होगा कि आपको लगेगा कितना ऊपर जाएगा, शॉर्ट करते जाओगे तो ये कैंडल आएगा ना, तो
तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लिटरली कि ये वाला कैंडल मुझे एक देखने को मिलना चाहिए और हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। प्राइस एक्शन देखेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे, और सेटअप में आएगा तो ही ट्रेड लेंगे। और मेरे दिमाग में मून फेजेस भी है, ओके। तो 25th होगा या तो 28th को मून फेजेस आएगा, ओके। तो हो सकता है मार्केट उस टाइम तक हाई बना रहा हो, तो हो सकता है बेस बना रहा है, तो जितने भी आप फ्रेश बुल्स आएंगे, जितने भी फ्रेश बुल्स आएंगे वो सब ट्रैप होंगे आने वाले टाइम में, जिनके पास अभी कोई पोजीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बुल्स अपना बुलिश पोजीशन बनाना क्रिएट करते हैं, वो ट्रैप होंगे, ओके। तो बस उसी का वेट है कि वो कब ट्रैप होंगे, क्योंकि अगर वो ट्रैप होंगे तो एक मोमेंटम मिलेगा नीचे साइड का, ओके। सो ये लेवल, बस यही लेवल से इंपॉर्टेंट, बाकी ऊपर का 16700 के लेवल है, 16700 के बाद 16754 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी में मुझे यही लेवल नजर आ रहे हैं। एक बार को और कुछ ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है क्या? ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बुलिश नहीं है, ओके। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम बुलिश नहीं है। ऊपर जाएगा शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखो तो कितना बढ़िया डोजी आया, बहुत अच्छा डोजी आया, और इसमें वही है हाई लो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बीच में रहा तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, टूटना पड़ेगा या तो ऊपर का लेवल या तो नीचे का लेवल। नीचे का लेवल टूटे तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। इसके लेवल्स मार्क कर देता हूं। एक लेवल 36870 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद 37000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकडाउन दिया तो वापस से बैंक निफ्टी 36400 के आसपास के लेवल्स दिखाएगा, और उसके बाद 36400 भी टूटा तो वापस से बैंक निफ्टी 36300, और उसके बाद ये जो सारे लेवल्स है, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये आप लेवल्स मार्क कर सकते हैं, ओके। सो ये ट्रेंड लाइन टूटा, ट्रेंड लाइन के बाद ये लेवल ओपन हो जाएगा, यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकडाउन आएगा तो वापस से ये जो लेवल है 36314 ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसके बाद अगर ये भी ब्रेकडाउन गया तो वापस से 36100 के लेवल्स आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर के जो लेवल्स है 36870, उसके बाद 37000, और उसके बाद 37145 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि यहां तक जाएगा, बट लेट्स सी, देखते क्या होता है, ओके। सो स्टॉक्स में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, स्टॉक्स मुझे मिले नहीं, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या दो स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं। मुथूट फाइनेंस मुझे लग रहा है कि ये एक मूव दे सकता है, तो इसको आप अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हो। यहां पर ऊपर गया, फिर ऐसा गया, फिर ये आया, ठीक है। तो वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है यहाँ पर, और हो सकता है अगर ये इसका ब्रेकआउट आएगा तो इसमें एक ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए, तो मुथूट फाइनेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। देन उसके बाद अपोलो टायर्स में भी ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल पर फंसा हुआ है। अगर मैं और डेली चार्ट खोलूं इसका, तो डेली चार्ट अगर आप देखोगे, आवली चार्ट ही देखते हैं, हाँ आवली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पर बेयर्स के ऐसे लगे हुए हैं, ओके। तो अगर ये ऊपर गया तो यहाँ पर एक मोमेंटम मिल सकता है, बट वही अगर ऊपर जाएगा तो आपको टानना नहीं है, आपको तुरंत 1-1.5-2% जो भी मूव मिलेगा आपको लेके निकलना है, ओके। बाकी स्टॉक्स में कुछ नहीं मिल रहा मुझे, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि स्टॉक्स हर रोज बताना ही बताना है। जिस टाइम मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा कि स्टॉक्स में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टॉक्स में कुछ करो, ओके। बाकी ये दोनों स्टॉक्स हैं, अपोलो टायर्स और मुथूट फाइनेंस, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।